अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद तबस्सम और आप देख रहे हैं LKB विजन। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज जो है भाई दिलशाद और काशी पठान के दरमियान मुकाबला होने वाला है। इन दोस्तों का मुकाबला जो है आपस में 120-20 कबूतरों का तय पाया है। तो दोस्तों सराइकी में कहते हैं 20 करां, लेकिन अगर आपको मैं उर्दू में बताऊं तो ये 40 कदमों पे जो है मुकाबला होने जा रहा है। जैसे हम चलते हैं तो हम कोई भी एक नॉर्मल बंदा कदम उठाता है, तो ये 40 कदमों की मुसाफत पे ये मुकाबला तय पाया है। एक कोखा दोस्तों, ये जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ये दिलशाद भाई का है और इनके माशाल्लाह ये कबूतर भी बैठे हैं। ये 120 कबूतर हैं जो हैं दिलशाद भाई के हैं, 120 कबूतर जो हैं काशी पठान के हैं। तो दोस्तों अब ये मैं आपको सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये दूसरा खोखा है जो तकरीबन 40 कदमों की फासले पे खड़ा है। ये 20 करां बोलते हैं सराइकी में, तो ये 20 करां बनती हैं, तो ये 40 कदम है। नॉर्मल आदमी जो चल के जाता है, तो ये दूसरा खोखा आपको नज़र आ रहा है, उसका भी मैं आपको क्लोज से व्यू चेक करवाऊँगा। तो माशाल्लाह आज मुकाबला क्या बनता है ये इंशाल्लाह आपको मैं चेक करवाने वाला हूँ। आज काफ़ी मज़ा बनने वाला है। और ये माशाल्लाह दूसरा जो खोखा है ये दिलशाद भाई का है। वो तो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी हुई घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो आपको जल्द मिल सके। दोस्तों ये जो शौक है आप करोड़ वाली सैन जिला लिया से चेक कर रहे हैं जी, और माशाल्लाह इधर कबूतरबाजी का काफ़ी अच्छा शौक होता है। तो ये मैं तमाम दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद जब कबूतर खोलेंगे तो आपको मैं चेक करवाऊँगा। ये जो है कबूतरों का मैं आपको क्लोज से व्यू चेक करवा रहा हूँ। तो ये दूसरी साइड का खोखा है, ये जो है वसीम शाह के नाम से हैं उनका खोखा है। ये दिलशाद भाई के मुखालफ हरीफ हैं जिनके साथ इनकी सैल तय पाई है। ये कबूतर आपस में लड़ाएंगे, ये देखें। ये दूसरा खोखा है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों ने जो है मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट भी करना है और मुझे तमाम दोस्तों ने बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखें दोस्तों, ये कबूतर हैं, ये भी 120 कबूतर हैं, तो इनकी आपस में सैल जो है तय पाई है। ये जो खोखा है ये वसीम शाह है, ये देखें दोस्तों। और दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो आपको जल्द मिल सके। ये देखें दोस्तों, मैं थोड़ा दूर से आपको व्यू चेक करवा रहा हूँ। दोस्तों कबूतर जो है अब खोलने लगी हैं दोनों पार्टियाँ। ये देखें आपको मैं क्लोज से इनका जूम करके वीडियो चेक करवा रहा हूँ इस साइड से भी। ये देखें दोस्तों, दोनों पार्टियों ने जो है कबूतर खोल दिए। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये सामने जो कबूतर नजर आ रहे हैं ये दिलशाद भाई के हैं। उन लोगों ने भी कबूतर अपने उड़ा दिए। और इस साइड से भी दोस्तों आज हवा का जो रुख है इस साइड पे, ये देखिए आपको कबूतर नजर आ रहे होंगे। ये देखें दोस्तों, ठीक है, मैं रहता हूँ।
दोस्तों दिलशाद भाई के कबूतर जो उतरे बैठे हैं। शायद उनके पास दोस्तों दिलशाद भाई के तीन कबूतर उतरे थे इन लोगों के पास, लेकिन ये पकड़ नहीं पाए। कबूतर जो उड़ गए हैं। ये दोस्तों एक कबूतर पकड़ लिया है नसीम शाह ने, एक कबूतर पकड़ लिया है दिलशाद भाई का। ये दोस्तों एक और कबूतर पकड़ लिया है, तीन कबूतर पकड़ लिए हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक और कबूतर पकड़ लिया है। कबूतर जो उड़ा दिए, उन लोगों ने भी एक कबूतर पकड़ लिया है इन लोगों का। देखते हैं कि इस तरफ कोई कबूतर आया कि नहीं। कबूतर दोस्तों इधर भी एक कबूतर आया हुआ है, ये आप दोस्तों को नजर आ रहा होगा। ये जा रहा है भाई कबूतर पकड़ने, लेकिन कबूतर उड़ गया दोस्तों। ये चीना कबूतर है, कबूतर उड़ा दिए दोस्तों। ये दोस्तों उन लोगों ने भी कबूतर उड़ा दिए। देखते हैं कि वो कबूतर इधर उतरेगा कि नहीं। ये पकड़ने जा रहा है कबूतर दोस्तों, कबूतर पकड़ा नहीं गया। माशाल्लाह काफी मजा आने वाला है आज। कबूतर जो है दोनों पार्टियों ने उड़ा दिए। देखते हैं दोस्तों कोई कबूतर उस तरफ गया है कि नहीं। ये मैं आपको जूम करके चेक करवाता हूँ। इस साइड की पार्टी के कबूतर है दोस्तों, मेरे ख्याल से इन लोगों का कबूतर उस साइड पे गया हुआ है। ये मैं आपको जूम करके चेक करवा रहा हूँ। दिलशाद भाई पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कबूतर को। जो दोस्त इस चैनल पे नए उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी हुई घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो आपको जल्द मिल सके। दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, काफ़ी दूर आया बैठा हूँ, तकरीबन अपने घर से 26 किलोमीटर की मुसाफत पे। तो आप दोस्तों ने मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट लाजमी करना है। ये देखें ये दिलशाद भाई के पास कबूतर गया बैठा है, तो अब वो दोस्तों शायद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कबूतर उड़ा दिए दोस्तों, कोई कबूतर उनके पास मौजूद नहीं था। कुछ कबूतर ये फिर रहे हैं दोस्तों, शौकीन की काफ़ी तादाद मौजूद है दोस्तों इस शौक को देखने के लिए। ये 120 कबूतरों की लड़ाई है। ये दिलशाद भाई के कबूतर हैं दोस्तों जो सामने नजर आ रहे हैं। इस साइड पे ये फिर रहे हैं कबूतर जी, ये जो हैं
नसीम शाह उसके कबूतर हैं। ये देखें दोस्तों, ये सामने जो कबूतर नजर आ रहे हैं ये दिलशाद भाई के हैं। ये दोस्तों कबूतर जो है ये दोस्तों दिलशाद भाई के कबूतर उनके खोखे पर मौजूद है। ये दोस्तों फाइट होगी दोनों पार्टियों की। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी तादाद में कबूतर मौजूद हैं, तकरीबन 250 कबूतर है, 240। काफ़ी मज़ा बनने वाला है दोस्तों, आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है। ये दोस्तों इन लोगों ने कुट्टी लगा दी है, उन लोगों ने भी कुट्टी लगा दी है दोस्तों। उन लोगों ने भी दोस्तों एक कबूतर पकड़ लिया है इन लोगों का, ये भी पकड़ने जा रहा है कबूतर दोस्तों। एक कबूतर पकड़ लिया दोस्तों इन लोगों ने, कोई और तलाई कबूतर कह रहे हैं कि वो भी आया हुआ है। एक और कबूतर पकड़ लिया दोस्तों, दिलशाद भाई के कबूतर ज़्यादा पकड़े गए हैं इन लोगों के पास। नसीम शाह ने दिलशाद भाई के ज़्यादा कबूतर पकड़ लिए हैं। एंड पे मैं रिज़ल्ट आपको बताऊंगा कि कितने कितने कबूतरों का क्या मुकाबला बना है। दोस्तों ये देखें सामने दोबारा फाइट होगी, अब जो कुट्टी दिलशाद भाई ने लगानी है, देखते हैं दोस्तों इन लोगों को कोई कबूतर उतरेगा कि नहीं। ये दोस्तों खराब थी पर कुट्टी लगा दी है उन लोगों ने, एक कबूतर पकड़ लिया उन लोगों ने। एक और कबूतर पकड़ लिया दोस्तों नियाजी साहब ने, दोस्तों उनके पास 3-4 कबूतर उतरे हुए हैं वसीम शाह के। कैमरा आपको जूम करके दिखा रहा होगा, दोस्तों कबूतर उड़ा दिए हैं, अब जो है कुट्टी नसीम शाह ने लगानी है।
ये देखें कबूतर दोनों बाल्टी उड़ा दिए, फाइट हो गई है। लेकिन दोस्तों वसीम शाह ने कुट्टी लगाती है, देखते हैं कि अब इनके पास कोई कबूतर दिलशाद भाई का आया कि नहीं। ये कह रहे हैं कोई बदरंगा कबूतर आया हुआ है, ये जा रहा पकड़ने। ये पकड़ लिया दोस्तों कबूतर, दोस्तों अब जो है कुट्टी दिलशाद भाई ने लगानी है, कबूतर दोबारा से उड़ा दिए इन लोगों ने, एक कबूतर पकड़ा इस शॉट में। कुट्टी लगा दी दोस्तों, इन लोगों का एक कबूतर रोशन चिराग जंगला उतरते उतरते आया है। कोई और कबूतर भी इन लोगों का भूरा बैठा है। ये दोस्तों उन लोगों ने जल्दी की है तो कबूतर वापसी उड़ के आ गए। कोई और कबूतर भी आई थिंक उतरा हुआ है। उन लोगों ने दाना फेंका हुआ है दोस्तों, दाना दोबारा वो छांट लगा रही हैं कबूतरों को। वो कबूतर कल सिरा उड़ के आ गया दोस्तों। ये देखें दोस्तों उनका कबूतर, ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों कबूतरों की फाइट हो गई है दोस्तों। अब जो कुट्टी है वसीम शाह ने लगानी है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। उन लोगों के पास एक कबूतर उतरा था कल सिरा सेल, ये देखें दोस्तों कुट्टी लगा दी है नसीम शाह ने। ये दोस्तों अब दिलशाद भाई के कबूतर आपसे चले गए। ये देखें एक कबूतर और पकड़ लिया है नसीम शाह ने, कबूतर और पकड़ लिया। जो असील नसीम शाह ने कमची लगाई थी, जिसको बल्ले से मारा था जिस कबूतर को, वो दोबारा जो है दिलशाद भाई के पास उतरा हुआ है। देखते हैं कि उनसे पकड़ा जाएगा नहीं। ये देखें दोस्तों कबूतर उड़ के वापसी आ गया है। वो देर बहुत करते हैं कबूतर पकड़ने में, इसकी वजह से कबूतर उड़ के वापसी चले आते हैं। ये देखें नियाजी साहब जो है वही वाला असील जो है पकड़ने के लिए जा रहा है। ये पकड़ लिया इन लोगों का एक कबूतर, वही कल सिरा जिसको नसीम शाह ने बल्ले के साथ मारा था, कमची के साथ मारा था, वो उन लोगों ने कबूतर जो है पकड़ लिया है। क्योंकि कबूतर को समझ ही नहीं आई कि मेरा घर कौन सा है, ये वाला खोखा मेरा है या वो वाला है। अब तो जाहिर बात है कबूतर ने तो भूलना ही है। बहरहाल शौकीन हजरात हैं, इनकी अपनी समझ है। ये दोस्तों फाइट ठीक से नहीं हुई, कबूतर दोबारा जो है ओए लाला ओए गद्दी को हैस्ता कर ओए लाला। ये दोस्तों अब जो है कुट्टी जो है दिलशाद भाई ने लगानी है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा। ये दोस्तों कुट्टी लगा दी है, नहीं नहीं उन लोगों ने कुट्टी अभी नहीं लगाई। काफ़ी मज़ा बनने वाला है दोस्तों आज की वीडियो का। तमाम दोस्तों ने जो है वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि आपको रिजल्ट का पता चल सके कि दिलशाद भाई ने और नसीम शाह ने कितने कितने कबूतर पकड़े हैं दोस्तों। ये देखिए उन लोगों ने कुट्टी लगा दी है, इन लोगों के कबूतर वापसी आ गए। दोस्तों इन लोगों का कबूतर उतरा बैठा है। ओए होए कबूतर दोस्तों बैठ ला कूड़ के वापसी आ गए इनके खोखे पे, भूरा कबूतर उतरा हुआ था। वो एक कबूतर और पकड़ लिया है उसने दोस्तों। आज मुकाबला बड़ा बेहतरीन और मजेदार बनने वाला है, तो देखते हैं कि एंड पे रिजल्ट क्या निकलेगा दोस्तों। ये जो लिखे दोस्तों ये नसीम शाह के कबूतर है, कबूतर उड़ा दिए दोस्तों।
अब जो कुट्टी है नसीम शाह ने लगानी है। ये देखें दोस्तों, काफी मजा बनने वाला है। अब जो कुट्टी है नसीम शाह ने लगानी है दोस्तों, आपको दिखाऊंगा कि कोई कबूतर उतरेगा कि नहीं दिलशाद भाई का। ये कुट्टी लगा दी है दोस्तों, देखते हैं कि कोई कबूतर इन लोगों के पास उतरा है कि नहीं। फिलहाल ये पार्टी जो है बैठी है, देख रहे हैं कबूतर कोई आया कि नहीं। कबूतर कोई भी नहीं आया था दिलशाद भाई का। दोबारा से कबूतर उड़ा दिए दोस्तों। ये दोस्तों उन लोगों ने कुट्टी लगा दी है। उन दोस्तों उन लोगों का कबूतर एक चूहा बदरंगा सा उनके पास बैठ के आ रहा है। दिलशाद भाई ने चांद लगाई है, कबूतर वापसी आ गया है। अब देखते हैं कि उनके पास कोई कबूतर उतरा है कि नहीं। मैं आपको जूम करके चेक करवाता हूँ। एक कबूतर नियाजी साहब ने पकड़ लिया है दोस्तों। आज मुकाबला जो है काफी खतरनाक और कांटेकश बनने वाला है। एक कबूतर और पकड़ लिया दिलशाद भाई ने, हालांकि कुट्टी भी नसीम शाह ने लगाई थी। दोबारा कबूतर उड़ा दिए। कबूतर दोबारा से उड़ा दिए। कुट्टी मजे की नहीं बनी इन लोगों की। देखते हैं दोस्तों कोई कबूतर आया कि नहीं। दिलशाद भाई ने कबूतर उड़ा दिए दोस्तों, कोई भी कबूतर नहीं उतरा। कोई कबूतर नहीं उतरा दोस्तों, कबूतर दोबारा उड़ा दिए। देखते हैं दोस्तों इन लोगों के पास कोई कबूतर आया कि नहीं। Yeah.
एक कबूतर दसो पकड़ लिए उन लोगों ने। ये देखें दिलशाद भाई के हाथ में, एक कबूतर और उतरा बैठा है दोस्तों इनके पास। वो दोस्तों उड़ के आ गया, काला कबूतर उतरा बैठा था। सही नहीं बनाया दोस्तों, इन लोगों ने गुट्टी लगा दी है। उन लोगों के पास एक कबूतर उतरा हुआ है, इन लोगों के पास इन लोगों का एक कबूतर दोस्तों दिलशाद भाई का इधर उतरा हुआ है। व्हाइट कलर का कबूतर दोस्तों उतरा हुआ है। दोस्तों नसीम शाह ने दिलशाद भाई का कबूतर पकड़ लिया। कबूतर उड़ा दिए दोस्तों। तीन कबूतर दोस्तों नसीम शाह के उतरे हुए थे दिलशाद भाई के पास, तीनों कबूतर उड़ गए हैं। जल्दबाजी कर रहे हैं दोस्तों, नसीम शाह के तीन कबूतर उतरे हुए थे दिलशाद भाई के पास, तीनों कबूतर उड़ के वापसी आ गए हैं। एक कबूतर और पकड़ा है उन लोगों ने, नसीम शाह का शायद एक कबूतर भी पकड़ा है। ये देखे सामने बंद कर रहे हैं।
असल रिजल्ट दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह कौन से कबूतर एक दूसरे के दोनों पार्टियों ने शिकार किए और मुकाबला जो है क्या है। ये देखें दोस्तों दोबारा से कबूतर उड़ा दिए। अब जो कुट्टी है ये लगानी है नसीम शाह ने। फाइट हो गई है दोनों टुकड़ियों की। दोस्तों ये मुकाबला जो है 50 मिनट का है, 50 मिनट की ये सैल है। कुछ लोग रेस बोल देते हैं, कुछ लोग सैल। 40 कदमों के मुसाफत पे ये सैल है। सराकी में बोलें तो 20 करा। तो ये देखें ये कुट्टी लगा दी है इन लोगों ने। दोस्तों देखते हैं कि दिलशाद भाई का कोई कबूतर उतरा है कि नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कुट्टी लगाई है। इन लोगों का कबूतर दोस्तों उतरा बैठा है उनके पास। दो तीन कबूतर उड़ाए हैं। दोस्तों किस्मत की बात है, दिलशाद भाई के पास इन लोगों के काफ़ी कबूतर उतरे हैं, लेकिन वो लोग जो है कबूतर नहीं पकड़ पा रहे। तीन कबूतर दोबारा से उड़ के आ गए वापस। लगा दिए दोस्तों इन लोगों ने। देखते हैं कि कोई कबूतर दिलशाद भाई का इनके पास आया कि नहीं। कबूतर दो तीन कबूतर शायद उतरे हुए हैं, ये अभी पकड़ेंगे। अंडा के बैठे मां जी मुक्की मेहनत।
ਮੁਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗਾ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਸਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ सबज मुखिया कबूतर 200 दिलशाद भाई का उतरा हुआ इधर, और आई थिंक ये काला जो गंडेदार है मैना कबूतर ये भी दिलशाद भाई का उतरा हुआ है। ये दोस्तों मुखिया कबूतर दिलशाद भाई का उड़ के वापस चला गया। एक काला कबूतर ये आया बैठा दोस्तों मेरे पास बिल्कुल साथ, ये देखें ये कबूतर आया बैठा है। एक कबूतर दोस्तों पकड़ लिया, एक काला और बैठा है ये देखें। ये दोस्तों काला कबूतर जो सामने नजर आ रहा है ये पकड़ लिया दोस्तों काला कबूतर। अब जो है दोस्तों कुट्टी दिलशाद भाई ने लगानी है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है दोस्तों। दोस्तों शौकीन हजरात की काफी तादाद मौजूद है इस सेल में, देखने के लिए काफी दोस्त जो है आए बैठे हैं। दिलशाद भाई का ताल्लुक जो है करोड़ाली सेन से है, जो इस साइड पे खोखा नजर आ रहा है ये सामने खड़े हैं, और ये जो खोखा है ये शाहपुर का है दोस्तों नसीम शाह का। कोई कबूतर भी नहीं आया दोस्तों इनका, इस पार्टी ने कबूतर उड़ा दिए दोस्तों। दोस्तों अब जो कुट्टी लगानी है नसीम शाह ने लगानी है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा दिलशाद भाई। ये देखें दोस्तों लोगों ने कुट्टी लगा दी है,
होना कासरी मुखी है बेटी। ये कासनी मुखी कबूतर जो पहले उड़ गया था, अरे दे था बेटे, फिर पकड़ लिया है दिलशाद भाई का। मुखी आसी पहले तेरे गुलत है, ये तो मरता भू। दोस्तों अब देखते हैं कि कितने कबूतर पकड़े हैं इन। दोस्तों ये कबूतर जो है दिलशाद भाई के पकड़े हैं इन लोगों ने। ये जो कबूतर है नसीम शाह ने पकड़े हैं, इनकी गिनती अभी जो है करनी है उन लोगों ने कि कितने कबूतर हैं। फाइनल रिजल्ट जो है दोस्तों दिलशाद भाई के नसीम शाह ने 15 कबूतर पकड़े हैं। ये कबूतर है दोस्तों क्या कबूतर भी बैठा है आसनी मुखी कबूतर। तो ये जो कबूतर है नसीम शाह के दिलशाद भाई ने पकड़े हैं, ये देखें। इन लोगों ने 13 कबूतर पकड़े हैं। सैफी भाई ने भी पकड़े हुए हैं कबूतर, ये देखें दोस्तों 13 कबूतर पकड़े हैं दिलशाद भाई ने। दोस्तों उस पार्टी ने नसीम शाह ने 2 कबूतर जो है ज्यादा पकड़े हैं दिलशाद भाई से। 13-15 का मुकाबला है। ये कबूतर हैं दोस्तों जो पकड़े हैं। दोस्तों शौकीन हजरात की काफी तादाद जो है मौजूद है, सारे दोस्त जो है सेल देखने आए थे। ये दोस्त बच्चे को लगना जाम बनता है।